सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इसका जो प्री ऑर्डर है ओप्पो रेनो 6 5G, जो कि यहाँ पर 256 और 12 GB के रैम में आने वाला है। इसका प्री ऑर्डर आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्री ऑर्डर लिखा चुका है। इसको आप 5 से 6 हज़ार डिस्काउंट में किस प्रकार आप परचेस कर सकते हैं इस फ़ोन को, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, एक भी स्किप मत करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, ये मेरा नया चैनल है, पुराना चैनल हैक हो चुका है, तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल पर ज़रूर सपोर्ट दिखाइए। तो हम बात करने वाले हैं, इसका प्री ऑर्डर स्टार्ट हो चुका है और इसको आप 5 से 6 हज़ार डिस्काउंट में किस प्रकार आप परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ पर एक्सचेंज ओल्ड वैल्यू लिखा हुआ है, तो एक्सचेंज ओल्ड वैल्यू पर आपको क्या करना है, इसी पर आपको टाइप करना है। जैसे यहाँ पर आप जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सचेंज यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको एक्सचेंज अंदर फ़ोन पर क्लिक कर लेना है। नहीं तो आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पर आपको फ़ोन है उसको आपको देख सकते हैं डज योर हैव स्विच फ़ोन, आपका जो मोबाइल अभी यूज कर रहे हैं यो ऑन है लिखना यस, अगर आपका मोबाइल ऑन नहीं होता है तो यहाँ पर आपको नो लिखना है। उसके बाद जो भी आपका फ़ोन अभी फ़िलहाल यूज कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करना है, ओप्पो वीवो सैमसंग रियलमी, तो मेरा शाओमी का फ़ोन है और रेडमी Y3 है, ठीक ना। तो हम यहाँ पर सर्च कर देते हैं रेडमी Y3, उसके बाद IMEI नंबर खोजता है, तो IMEI नंबर आपको *H06H पर डायल कीजिएगा। चलिए हम आपको डायल करके दिखाते हैं *H06H, इसको बाद यहाँ पर आपको कॉपी कर लेना है। तो जैसे यहाँ पर आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कीजिएगा तो यहाँ पर आपको IMEI नंबर शो हो जाएगा और ये वेरीफाई कर लेगा, देख सकते हैं ये वेरीफाई हो चुका है। और जो पहले यूज कर रहे हैं मोबाइल उसका 4800 रुपये दे रहा है, और जो 4800 से और उसके नीचे भी दे सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, तो 4800 रुपये देगा। उसके बाद कन्फर्म एक्सचेंज पर क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका जो MRP है 40,000 के लगभग है, तो यहाँ पर मेरा MRP आ चुका है 35,000, यानी इस पर आपको 5,000 यहाँ पर आपको कम लग रहा है। अगर आपको कोई भी पुराना मोबाइल है जो आप यूज नहीं करते हैं या यूज भी करते हैं, जो कि आपके लिए नया, जब आप नया फ़ोन ख़रीद रहे हैं तो पुराने फ़ोन को क्या कीजिएगा, आप इसको एक्सचेंज में डाल दीजिए। 2-3 साल यूज कर ही लिए, आपको एक्सचेंज में डाल दीजिए, क्या दिक्कत है। उसके बाद यहाँ पर प्री ऑर्डर का ऑप्शन है, आप यहाँ पर प्री ऑर्डर कीजिए, उसके बाद स्किप एंड कंटिन्यू पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 29,000 का फ़ोन है और यहाँ पर आपको आता 5,000 रुपये डिस्काउंट हो रहा है एक्सचेंज का, और 100 रुपये पिकअप चार्ज लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो MRP है 46,700 डिस्काउंट है और एक्सचेंज का डिस्काउंट 5,000 है, 48 रुपये और 100 रुपये पिकअप चार्ज होगा। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका जो पेमेंट मेथड मांगेगा, जिस भी पेमेंट मेथड से आप इसको करना चाहेंगे। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप HDFC से पेमेंट करना चाहते हैं, HDFC डेबिट कार्ड, तो यहाँ पर आपको 3529 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट होगा। सोच सकते हैं 3500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट होगा, आप सिर्फ डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड नॉट वैल्यू। अगर आप क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड भी चलेगा, लेकिन डेबिट कार्ड पर भी यहाँ पर आपको 3529 रुपये इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। तो 5,000 उधर हो गया, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर आपको मानी 3500 रुपये इधर हो गया, यानी 8,500 रुपये डिस्काउंट आपको हो रहा है। तो अगर आपके पास HDFC का कार्ड नहीं है तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मेरे पास नहीं है, तो हम आपसे संपर्क करेंगे। मेरे पास 5-6 कार्ड HDFC का है मेरे संपर्क में, आपको मोबाइल परचेस करवा देंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप HDFC से पेमेंट कीजिएगा तो यहाँ पर आपको 3529 रुपये डिस्काउंट होगा, और उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करके आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दीजिए और 3500 रुपये इधर हो गया डिस्काउंट, और उधर आपका 5,000 रुपये, यानी अच्छा खासा यहाँ पर आपको 10,000 का डिस्काउंट
हम इस वीडियो में दिलवा दिए हैं। ठीक है, अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आपको ऑप्शन दिए हैं, कॉमेंट सेक्शन कीजिए, हम आपको संपर्क जरूर करेंगे। तो कॉमेंट करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर ही कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।